Viva Tech Party with Ayush. Hey guys, welcome to a brand new episode of Fever Tech Panti. मेरा नाम है आयुष और आज के शो में हम बात करेंगे कंप्यूटर जनरेटेड AI जनरेटेड इमेजेस के बारे में. आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप AI को एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली इमेज जनरेट करके आपको दे देता है. काफी सारे AIs विजुअल वीडियोस जनरेट करके आपको दे देते हैं. रिसेंटली एक जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग सर्टन स्पोर्ट्स पीपल, उसके अंदर हमने देखा कि स्पोर्ट्स पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज इन लाइफ, उनकी इमेज चेंज करके उन्हें हैप्पी दिखाने में आया. सो जनरेटिव AI बहुत सारी जगह पे सही है, पर बहुत सारी जगह पर इट कैन लीड टू क्लैशेस. तो इस टाइम पे आपका समझदार रहना बहुत जरूरी है. I would request everyone not to fall prey to computer generated images and videos. इसके लिए आप एक factchecker.com पर जा सकते हैं और वहां पर अपने facts को clear out कर सकते हैं. This is one suggestion and I know in the days to come, and this is also a request to all you people who are working in generative AI कि आप please एक ऐसी technology invent करें या ढूंढे जिसके अंदर fake और real के बीच में फर्क पता चले. Because in the days to come it is going to be tough for us to differentiate between what is true and what is not. Jiska fayda utha ke log apne agendas aur propaganda ke andar aapko dal sakte hain. Isi ke upar meri baat hui thi technical guru ji yani ke Gaurav Chaudhary ke saath mein aur wahi aapko dikhane ja rahe hain. Stay tuned to Fever Tech Panti. And all this Instagram generation, TikTok generation, which is more into content, which is more into मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ या मेरी फोटो कितनी अच्छी आई है, अरे 200 लोगों ने लाइक कर लिया, that need for attention, क्या उसकी वजह से AI प्रोसेसिंग के अंदर now companies have started to पता नहीं भाई, ये जो जब से चाइनीज आए हैं ना दुनिया में मोबाइल बना बना के ब्यूटी मोड थे उन्होंने घुसाया है. इतने ऑब्सेस्ड होते हैं ना अपने आप को लेके कि भैया हम मतलब पता नहीं क्यों किस चीज़ का इतना ज़्यादा कॉन्शियस अपने मन में लेके घूम रहे हैं इस चीज़ का, मतलब भयंकर ही सेल्फ डाउट में जी. आईफोन नहीं करता ब्यूटी मोड जी, जैसा हो ना वैसा दिखाएगा बिल्कुल लिटरली. हाँ. फिल्टर लगाओगे कोई अलग बात है, फिल्टर तो कलर्स कंट्रास्ट को चेंज करता है ना. इधर तो दो दिन की दाढ़ी और दाढ़ी गायब हो जाती है. हाँ. बंदा लगता है कि अभी बस चिकना हो गया, शेव कर गया है. जी. तो द वे द चाइनीज स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग बैक इन द डेज, जब से और इनके फोन की यही USP होती है, कैमरा में इंसान लगता है कि देखो यार मैं इस कैमरा में कितना अच्छा आ रहा हूँ, तो बाद में फिर वही फोन लेगा ना कि यार ये कंपनी का फोन लूंगा, ये मेरे को चमकाता है, दूसरा लेता हूँ तो यार वो तो थोड़ा अजीब दिखा. और वो एसुस फोन के अंदर कैमरा में एक ऑप्शन था. हाँ. कि आप अपने आप को कितना अच्छा, आप अपनी जॉ लाइन पतली कर सकते हो. बताओ यार जिम क्यों जा रहे हैं फिर, क्यों जा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं. आई वुड वॉन्ट टू नो टूडे, ये आप अपने सिर्फ यूट्यूब कॉन्टेंट के लिए कर रहे हैं या अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए कर रहे हैं. भाई कैमराज में आप जॉलाइन की बात करते हो, बात है आप फुल अपनी लेंथ फोटो लो तो आपको कितना पतला होना है, आपकी टांगे लंबी चाहिए, आपको हाइट छोटी बड़ी जो करना है ना, एवरी कस्टमाइजेशन हो जाएगा. फोन में हो रहा है मतलब कम ऑन. एक और किसको किसको पागल बना रहे हो ये आजकल, ये चाइनीज लाइव स्ट्रीमिंग एप्स बड़े चले बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज साइड सेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट देम. एक बहुत क्रेजी न्यूज आया था, एक आर्टिकल आया था कुछ दिन पहले कि इनकी जो स्ट्रीमिंग जहां पर आजकल आई नो एक 64 ईयर ओल्ड वुमन, आई नो वो फिल्टर लगा के 28 साल की दिखी और कितने लड़कों को बेवकूफ, और बाद में जब वो एक बार रिवील हो गया रियल क्या है, बीच में एक बार ग्लिच आ गया तो असली शक्ल दिखाई दे गई उसके अंदर. दिखावे पे मत जाओ दोस्तों, कसम से बोल रहे, चांद हो या चांद जैसी महबूबा दिखावे पे मत जाओ. हाँ. अच्छी बात है, मतलब AI को अगर हम यूज कर रहे हैं हमारे लिए कुछ कुछ चीजें जो हेल्पफुल हो सकती है उसमें, अच्छी बात है. नुकसान मतलब अगेन इट डिपेंड्स द वे यू लुक एट इट, मुझे ऐसा लगता है. True. अगर स्मार्ट हम बना रहे डिवाइसेस को जहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है तो इट्स फाइन. When we talk about consumers, वो reviews पे जाते हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में उस पे जाते हैं और फिर फाइनली उनके बजट पे जाते हैं. So, क्या ये AI आने वाले टाइम पे, हमको पता है कि ChatGPT पे डाला तो वो आपकी तारीफ में 2500 वर्ड का निबंध लिख सकता है, लेकिन राइट एन एसे ऑफ 2000. अब तो स्विफ्ट की कीबोर्ड के अंदर इनबिल्ट आ गया है जी, माइक्रोसॉफ्ट का है स्विफ्ट की. हाँ. तो स्विफ्ट की के अंदर आप जाओ तो स्विफ्ट की कीबोर्ड के अंदर ChatGPT इनबिल्ट है, तो आपको कीबोर्ड से बाहर नहीं निकलना. आप कुछ भी मैसेज अपना कंपोज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बैठे हो, इंस्टाग्राम पे बैठे हो, आपको कैप्शन लिखना है, वहीं का वहीं कैप्शन मिल रहा है. फैंटास्टिक. सो इज इट गोइंग टू अफेक्ट
कंज्यूमर्स यार, मार्केटिंग कंपनीज अपनी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए एआई यूज करके कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकती है। ब्रांड्स एट टाइम्स मैनिपुलेट करते हैं। मेरे को आज भी एक किस्सा याद आता है, आपको बहुत ही एक बेसिक बात बताऊंगा कि आप ना एक ज़माने की बात करो, आज से 15-18 साल पहले मोबाइल फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई है और आप लेके जा रहे हो एक लोकल जो होता है ना रिपेयरिंग वाला जो बैठा होता है उसके पास में, और उससे पूछो क्या हुआ है। लेट से आपने बोला कि स्पीकर में दिक्कत हो रही है या चार्जिंग में दिक्कत हो रही है, व्हाटएवर, तो उसके पास में एक कॉमन वर्ड हुआ करता था विच वॉज इसकी चार्जिंग आईसी खराब हो गई है, स्पीकर की आईसी खराब हो गई है, नहीं व्हाटएवर, वो एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं बेसिकली उसको, तो वो आईसी वर्ड बहुत बोलता और मतलब पता नहीं कितने लोगों का कितना पागल बनता था उस टाइम पे। सेम वे ना आज के दिन में अक्सर ब्रांड्स पागल बनाते हैं एआई के नाम पे। कुछ भी आप उठा के देख लो आज किसी भी कंपनी को, एआई उनको घुसाना ही है जी। इतने मेगापिक्सल का ट्रिपल एआई कैमरा, एआई पावर्ड कैमरा, एआई दिस, एआई 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 वीडियो, एआई मतलब वो इतना ऐसे कॉमनली यूज टेक जागर बन गया ना कि मतलब एक 10,000 का फोन होगा उसके अंदर भी भैया एआई वाला कैमरा है, और 1,00,000 का फोन है वो भी एआई वाला है। तो मतलब इट्स वेरी ओवरली kind of, used। अब पूछो भैया एआई करता क्या है, तो करता तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत गुरा कर देता है आपको, उसको बोल देते हैं कि तो एआई वाला ब्यूटी मोड है। अच्छा, आपने सुना होगा ना अक्सर एआई ब्यूटी है व्हाटएवर। तो एट टाइम्स कंज्यूमर्स आर काइंड ऑफ यू नो, मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे करके वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो फ्यूचर में इतना ज्यादा कंपनीज को जो है वो मौका मिलेगा नहीं कि बस बोल बोल के ही और कर दो, या तो एक्चुअल प्रोडक्ट में कुछ यूनिक हो वो एक अलग बात है, अदरवाइज तो ट्रू। एक टाइम्स मैगजीन का आर्टिकल है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़े यू नो टेक जर्नलिस्ट क्रिएटर हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि एलियंस आर हियर, कि एलियंस इस दुनिया में आ गए हैं और हमने उन्हें बनाया है, वी हैव क्रिएटेड देम। और अगर ये और ज्यादा डेवलप हो गया तो एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिस पॉइंट पे वो हमारे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर दे और शायद से हमें एक्सटिंक्शन तक ले जाए। तो आपका क्या मानना है, ये जो साइंस फिक्शन हमने देखी है, डर लगता है हर्ष भाई। सिंगुलैरिटी का एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग इंसान से तेज हो जाए और वो इंसान को ओवर पावर कर दे बेसिकली, आप ये समझ लो। और यू नो एआई का मेन काम ही जिस तरह मतलब सेल्फ लर्निंग है, अपने आप ही आपने उसको एक चीज़ को फीड कर दिया, बाद में लूप लगा लगा के वो अपनी पावर जो है वो बढ़ाए जा रहा है। तो आई डोंट नो कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, बट एट टाइम्स कंसर्निंग लगती हैं चीज़ें कुछ कुछ की, यार ये तो चीज़ें बहुत ही एक अलग लेवल पे जा रही हैं, और मतलब हम कितनी पावर दे रहे हैं यू नो फॉर दीज थिंग्स टू ऑपरेट। आई डोंट नो, आई थिंक इसका आंसर वेल इन द कमिंग फ्यूचर इज ओनली दैट वी विल बी एबल टू रिसीव, के क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए गिफ्ट है या ये ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। कमिंग डेज गाइस, देख रहे हैं आप आई रोबोट का इंसेप्शन हो रहा है यहाँ पर, रजनीकांत सर के रोबोट का इंसेप्शन हो रहा है, बन रहे ना बॉस्टन डायनेमिक्स वगैरह बना रहे ना वो, सर स्क्रिप्ट लिखी जाएंगी अभी, वो कुत्ते तो आए गए हैं रोबोट वाले, कैमरेज लगे इतने सारे, इमेजिन करो किस दिन वो कुत्ता ही आपके पॉसिबल, इट्स ऑल पॉसिबल, एंड द वर्ल्ड ऑफ टेक इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। वर्ल्ड ऑफ टेक के बातों पे यहाँ पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। मैं हूँ आयुष, ये फीवर टेक पंथी, मेरे साथ में टेक्निकल गुरुजी यानी कि गौरव चौधरी, और जैसे हम बोलते हैं टेक पंथी मचाते रहो। Hey guys, I hope आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। If you like this episode and if you also feel that generative AI is going to disrupt the market, तो please hit us in the comments, subscribe to this channel and of course stay tuned to Fever Tech Panti. मेरा नाम है आयुष, मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। Till then, Tech Panti मचाते रहो।